हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। हम जो हैं कल एक वीडियो अपलोड किए थे जो आर्ट्स के जिनका भी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है तो उसका मॉडल पेपर आया था, उसका पार्ट वन हमने जो है अपलोड किया था जिसमें लगभग 15 क्वेश्चंस बताए थे। आज जो है 16 से लेके 30 तक के प्रश्न, यानी कि आज भी 15 क्वेश्चंस बताएंगे और एकदम बउआ लिखा बताएंगे कि आपको जो है रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो 16 नंबर जो प्रश्न है आपके मॉडल सेट पॉलिटिकल साइंस के हैं, जिसको राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक शास्त्र आप कहते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है कि न्यायिक सक्रियता की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन करें। पहला बात आपको मालूम होना चाहिए न्यायिक सक्रियता क्या होता है। न्यायिक सक्रियता मतलब कि किसी चीज़ का फैसला होता है उसमें अगर उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भाग लेता है उसी को न्यायिक सक्रियता कहते हैं। जैसे हम और आप लड़ाई कर लिए तो ये जो है केस थाना में गया और थाना से नहीं फरियाएगा तो उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जाएगा कि नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो वो भागीदारी लेगा तो उसको हम लोग कहते हैं न्यायिक सक्रियता। लेकिन प्रश्न ये पूछा है कि न्यायिक सक्रियता के किन्हीं दो विशेषताओं को बताएं, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे आंसर, आंसर लिखेंगे कि न्यायिक सक्रियता की किन्हीं दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला कि इससे जो है अधिकारों का संरक्षण होता है, और दूसरा इससे समाज में न्याय के प्रति विकास होता है या न्याय को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, याद करे वाला है न्यायिक सक्रियता के किन्हीं दो विशेषताएं लिखेला कहेगा। तो न्यायिक सक्रियता के निम्नलिखित विशेषताएं हैं, पहला अधिकारों का संरक्षण होता है, दूसरा समाज में न्याय को जो है बढ़ावा मिलता है। अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो कौनों केकरो जान मार देता है, कौनों केकरो रेप कर देता है, कौन जा रहा है पूछे, है कि नहीं। इसीलिए न्यायिक सक्रियता बनाया गया है, ठीक है ना। ये जो है 17 नंबर क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता क्या होता है। सांप्रदायिकता मतलब होता है कि अपने धर्म और अपने जाति को बढ़ावा देना और दूसरे के जाति या धर्म को जो है नीचा दिखाना, वही सांप्रदायिकता कहलाता है। जैसे मान के चलिए हम हिंदू धर्म के हैं और हम जो हैं हिंदुओं को सिर्फ बराई कर रहे हैं, हिंदू जो है आंदोलन कर रहे हैं और दूसरे के जो है धर्म को हम समझ नहीं रहे हैं, उसको जो है वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो हम जो हैं सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसे ही कहेंगे सांप्रदायिकता। मतलब कि किसी विशेष लिखेंगे कैसे सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है। तो सांप्रदायिकता क्या है या चाहे सांप्रदायिकता से क्या समझते हैं, सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है, सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, प्रश्न एक के है। लिखेंगे कैसे, सांप्रदायिकता से हम यह समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी विशेष धर्म या जाति को विशेष रूप से प्रभावी बनाता है उसी को सांप्रदायिकता कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वेत क्रांति क्या है। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जो है हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन फ्लड क्या है, श्वेत क्रांति क्या है, तो ये दूध उत्पादन से संबंधित एक क्रांति है जिसमें दूध के उत्पादन को बढ़ाना और दूध उत्पादन पे यानी कि डेयरी पे जो है लोगों को निर्भर बनाना। अगर हम ठेठ भाषा में कहें तो श्वेत क्रांति का मतलब कि भारत में दूध उत्पादन अधिक हो और लोग जो हैं दूध यानी डेयरी लगाने में जो हैं इंटरेस्टेड हों। इसकी शुरुआत जो है 13 जनवरी 1970 से हुई, जिसे हम लोग ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं श्वेत क्रांति को, ठीक है। तो ऐसे ही लिख सकते हैं कि श्वेत क्रांति जो है दूध से संबंधित एक क्रांति है जिसमें दूध के उत्पादन को बढ़ावा देना है और दूध उत्पादन पे डेयरी उत्पादन पे लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। दुनिया के सबसे आसान प्रश्न क्या है, तो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। सपोज डैट कि आप जो हैं किसी कारणवश आपको पुलिस आई और आपको जो है पकड़ के जेल में बंद कर दी, तो आपको जो है एक वकील रखना होगा अपना केस लड़ने के लिए, तो वही जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है।
यानी जो बंदी बनाए गए हैं उसके पक्ष से जो वकील लड़ता है उसी को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। अब ऐसे तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं, लिखने की भाषा में आएंगे, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है एक प्रकार की व्यवस्था है जिसमें कैदियों को अपने पक्ष के तरफ से उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, जिसे हाई का बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उसमें पेशी के लिए अपने तरफ से उसे बुलाया जाता है, ठीक है ना। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का है, समझ गए, यानी कि कोई भी कैदी अपने वकील, अपने मन मुताबिक वकील जो है अपन उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में उतार सकता है, उसी को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन कि नाटो का पूरा नाम क्या है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये नाटो ऐसे इंग्लिश में लिखाता है नाटो, ठीक है ना। तो ई एन से जो है नॉर्थ, ए से जो है एटलांटिक, टी से ट्रीटी एंड ओ से ऑर्गेनाइजेशन। अगर हिंदी में हम बोलेंगे तो उत्तरी अटलांटिक संघ संगठन, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक संघ संगठन भी जो है इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होता है और एक होता है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष में यही अंतर है, प्रत्यक्ष जिसे हिंदी में डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं, तो जब किसी नेता का चुनाव आप डायरेक्ट रूप से करते हैं उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, लेकिन जब किसी का चुनाव अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट नहीं करते हैं, किसी के द्वारा करते हैं, तो वो अप्रत्यक्ष कहलाता है। जैसे विशेषकर हम आपको बताते हैं, जैसे आप गांव में मुखिया का चुनाव करते हैं तो आप प्रत्यक्ष तरीका से करते हैं, वार्ड पार्षद का चुनाव करते हैं वो प्रत्यक्ष तरीका से होता है, अगर आप मेयर का चुनाव करते हैं चेयरमैन का तो वो भी जो है प्रत्यक्ष तरीका से ही होता है, लेकिन हमने के जब मुख्यमंत्री चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो वो अप्रत्यक्ष तरीका से होता है। अब कहेंगे कैसे, तो हमने के तो मुख्यमंत्री के वोट नहीं देते हैं, हमने के विधायक के वोट देते हैं, हमने के सांसद के वोट देते हैं, आ ये सब मिल के जो है अपन मन मुताबिक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का चुनाव करता है। तो जिसको हम लोग इनडायरेक्टली चुनते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, वो अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहलाता है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का कहलाता है जिसको हम लोग डायरेक्टली चुनते हैं, जैसे कि मुखिया, वार्ड पार्षद, है कि नहीं, ये सब जो है डायरेक्टली। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है छोटे कस्बे, गांव और छोटे छोटे नगरों में होता है, जबकि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है बड़े बड़े देश में वो कह सकते हैं राज्य में होता है कि नहीं। नेक्स्ट है कि कांग्रेस सिंडिकेट का अर्थ बताएं, दुनिया के सबसे आसान प्रश्न में से गुआ है पूछ ले, कांग्रेस सिंडिकेट का अर्थ बताएं। कांग्रेस सिंडिकेट का अर्थ होता है कि एक बार जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ, जैसे कि कांग्रेस, इंदिरा गांधी एक बार प्रधानमंत्री बनी थी तो उनको जो है कोई लोग हटाना चाहता था, ओकरे पार्टी के आदमी जो है कहता था कि इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री नहीं बनेगी, तो इस सिंडिकेट का हुआ, तो सिंडिकेट ही जो है इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया। बट कैसे, आपको तो समझ में भी नहीं आया ना, तो सिंडिकेट का मतलब होता है पढ़े लिखे और प्रभावी नेताओं का एक संगठन, जिसको सपोर्ट कर दे वही जो है सरकार में रहेंगे। तो कांग्रेस का जब विभाजन हुआ, दो भाग में बंटा, तब बहुत सारे जो बड़े बड़े नेता थे, जो बड़े बड़े पढ़े लिखे नेता थे बड़े बड़े विश्वविद्यालय से, वो जो है इंदिरा गांधी के सपोर्ट में आए और कहें कि हम इंदिरा गांधी का ही सपोर्ट करेंगे, तो वही संगठन कहलाया कांग्रेस सिंडिकेट, ठीक है ना। तो कांग्रेस सिंडिकेट का अर्थ क्या है, तो कांग्रेस सिंडिकेट का यही अर्थ है कि वैसा कांग्रेस संगठन जिसमें बड़े नेताएं और प्रभावी नेताओं का एक संगठन था, उसे ही कांग्रेस सिंडिकेट के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि आर्थिक न्याय क्या है, देखिए यहू दुनिया के सबसे आसान प्रश्न में से जो है एगो है कि आर्थिक न्याय क्या है। आर्थिक न्याय अर्थशास्त्र और सामाजिक
न्याय दोनों के कल्याण के एक प्रमुख भाग हैं। ठीक है, आर्थिक न्याय कहे का मतलब कि आर्थिक रूप से मजबूत होना। जैसे कि अब जैसे मान के चलिए समाज में कोई गरीब आदमी है, तो हम कह सकते हैं कि उसका आर्थिक स्थिति जो है खराब है। क्या उसके आर्थिक स्थिति के साथ न्याय हो रहा है? नहीं न्याय हो रहा है। तो सिंपल सी भाषा में हम आपको कहें कि आर्थिक न्याय क्या है। तो आर्थिक न्याय यानी कि समाज में उपस्थित सभी लोगों की आर्थिक स्थितियां जब समान होती है उसे हम लोग आर्थिक न्याय कहते हैं। बट ऐसा होता नहीं है, समाज में गरीब अमीर दोनों लोग हैं, है कि नहीं। तो आर्थिक न्याय क्या होता है? समाज के सभी लोगों को साथ जो है आर्थिक न्याय हो, आर्थिक विकास हो, समाज कल्याण हो, वो आर्थिक न्याय के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निःसशस्त्रीकरण क्या है। निःसशस्त्रीकरण जो है बड़ी आसान है। देखिए निःसशस्त्रीकरण मतलब कि जितना भी वैसा चीज जिससे जो है मानव के बर्बादी है उस चीज को जो है मिटा देना, खत्म कर देना, उत्पादन पे रोक लगाना। जैसे कि बम, बम से मानव को खतरा है कि नहीं, तब बम बनाने पे रोक लगाना, गोली बंदूक इस पे बनाने पे रोक लगाना, और इस जितना भी बनल है उसको जो है कुचलवा देना, खत्म कर देना, यह कहलाया निःसशस्त्रीकरण। निःसशस्त्रीकरण यानी कि मानव को जिस चीज से नुकसान है उस चीज को खत्म कर देना, उस चीज के उत्पादन पे रोक लगाना निःसशस्त्रीकरण कहलाता है। जैसे बंदूक, बारूद, बम, ये सभी जो हैं निःसशस्त्रीकरण के अंतर्गत इसको जो है इस पे रोक लगाया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि आसियान के कौन से देश सदस्य हैं, किन्हीं पांच का नाम बताइए। आसियान के जो हैं बहुत सारे सदस्य हैं देश, ठीक है, जिसमें से थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, ये पांच जो हैं प्रमुख हैं। ठीक है ना, थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, लाओस, ये सभी जो हैं आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। ये बंद अर्थव्यवस्था से हम यही समझते हैं कि जब कोई देश किसी दूसरे देश से ना तो आयात करता है और ना ही निर्यात करता है, उसी को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इंडिया में हैं, इंडिया के कोई चीज ना ही किसी दूसरे देश में जा रहा है और ना ही कोनो दूसरे देश से हमने के सामान लेके इंडिया में बेच रहे हैं। जब ऐसा हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया में जो है अर्थव्यवस्था बंद है। ठीक है ना, तो बंद अर्थव्यवस्था उसी को कहते हैं कि ना ही कोई भी देश किसी दूसरे देश से ना ही आयात करता है, ना ही निर्यात करता है, उसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि एक ध्रुवीय विश्व क्या है। दुनिया के सबसे आसान प्रश्न आपको जो है बता रहे हैं, एक ध्रुवीय विश्व कहने का मतलब कि पूरा विश्व पे किसी एक देश का बोलबाला चलता है, माने कि वो अपन पावर के इस्तेमाल पूरा विश्व पे जकरले रहता है। इसे परिवार से समझाते हैं, जैसे हमने के फैमिली में कोई एगो ऐसा आदमी रहता है जेकर घर में घुसता ही सब आदमी जो है शांत हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि एक ध्रुवीय है, लेकिन यहाँ पे विश्व के बात कर रहा है। ठीक है ना, तो विश्व में यानी कि पूरा विश्व में जब कोई एक देश का प्रभाव होता है जिससे सभी देश डरते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक ध्रुवीय विश्व। ठीक है ना सर, जैसे एग्जांपल में जो है आप दे सकते हैं अमेरिका पहले था लेकिन अब तो नहीं है, है कि नहीं, कहे कि अब सब बराबर हो गई सर, कौनों किसी से कम नहीं है। योजना अवकाश का क्या अर्थ है, दुनिया के सबसे आसान प्रश्न आइए। कभी आपने सुना है ना पंचवर्षीय योजना, तो पंचवर्षीय योजना कहे का मतलब कि 5 साल की एक योजना होती थी। कहेंगे कि नहीं सर, कोनो कोनो तो 2-3 साल के है, तो 2-3 साल के है का है, ओकरे में जो है गैप हो गया है उसी को हम लोग योजना अवकाश कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं, एक्चुअल में
पंचवर्षीय योजना जो है 51 से स्टार्ट हुआ, तो 1951 से 56 तक चला, 56 से स्टार्ट हुआ तो 61 तक चला, है कि नहीं, ले 61 से 66 तक चला, ठीक है। अब 66 से जो है चलना कब चाहिए, 66 से 5 जोड़िएगा तो कितना होगा सर, तो 66 से 5 जोड़िएगा कम से कम जो है ना 71 चलना चाहिए, लेकिन चला है इसे नहीं चला है, 3 साल गैप हो गया है, और एक के बार जो है 69 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो 2 साल के गैप हुआ है, उसी को योजना अवकाश बोलते हैं, यानी कि 5 सालों की योजना में किसी कारणवश कोई रुकावट आ जाता है जिससे योजना को बढ़ा दिया जाता है अगले साल के लिए, उसी को योजना अवकाश हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि नई विश्व व्यवस्था क्या है, दुनिया के आइए आसान प्रश्न देखते हैं आपको, नई विश्व व्यवस्था क्या है। तो नई विश्व व्यवस्था एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था है जिसमें बड़े बड़े जो कंट्री होते हैं ना, बड़े बड़े देश, वो छोटे छोटे देशों से कच्चे मालों को लेकर और अपने देश को जो है विकसित बना रहे हैं, उसी को नई विश्व व्यवस्था कहते हैं हम लोग। जैसे मान के चलिए कोई कोई ऐसा देश है जिसका पास कच्चा माल जो है बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है कि उसको जो है बना के बाजार में बेच सके, ठीक है ना। तो वही बड़े बड़े जो मजबूत राष्ट्र होते हैं वो कच्चे माल वाले देश पे जो है अपन अधिकार करके और हड़प लेता है सब, ओकरे बोल सकते हैं हम लोग नई विश्व व्यवस्था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। प्रौद्योगिकी मीन्स टेक्नोलॉजी, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। अब यह सब क्वेश्चन बताए पड़े हमारा है, वैश्वीकरण मतलब कि विश्व को विकसित करने, विश्व को एकजुट जोड़ने, ठीक है ना। तो उसमें प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है, तो उसमें जो है टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा योगदान है। जैसे ही प्रौद्योगिकी का विकास हुआ तो वैश्वीकरण में जो है विकास काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, तो हम कह सकते हैं ना कि वैश्वीकरण में जो है प्रौद्योगिकी मीन्स टेक्नोलॉजी का जो है काफ़ी ज़्यादा योगदान है कि नहीं। इससे जो है आयात निर्यात जो है तेज़ी से होने लगा, है कि नहीं। इससे जो है ये क्या बोलते हैं बाज़ार जो है हाई स्पीड से अप होने लगा, यानी कि बढ़ता गया हम बोल सकते हैं ना इसको। अब जो है ये क्या बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस के जो है 30 out of 30 क्वेश्चंस जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। अब सिर्फ आपको पढ़ना है और समय कम है, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना बेटर जो है आपके रिजल्ट आएंगे, ठीक है ना। वीडियो देखे हैं अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट जो है अगले ज्योग्राफी सब्जेक्ट का हम लेकर आएंगे, ठीक है। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।